हम लोग सहरी में नमाज वगैरह पढ़ के और सहरी करके सो गए थे रात को, और अभी उठे हैं। आज है फ्राइडे और अभी मुझे करने हैं कपड़े इस्त्री, ताकि लोग जुम्मा पढ़ने जाएंगे मस्जिद। दानिश ने बगैर इस्त्री के कपड़े पहन लिए हैं और मैं अभी से उतरवा रही हूँ ताकि मैं इसको इस्त्री करके दूँ। और ये कह रहे हैं अम्मी ऐसे ही जाऊँगा तो अच्छा नहीं लगता ना बगैर इस्त्री के, और दो तो टाइम नहीं मिलता मुझे, बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ मैं, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता कि ये लोग जाएं। और जो तो अच्छा नहीं लगता फ्राइडे है और ये लोग बगैर इस्त्री के कपड़े पहने, तो लिहाजा मैं इन लोगों को सबसे पहले इस्त्री करके दे रही हूँ। और गुड मॉर्निंग, सुबह का आगाज़ हो चुका है हम लोगों का और मेरे काम स्टार्ट हो चुके हैं। और रात को अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे बर्तन वगैरह धो के सोई थी और साफ़ सुथरा है किचन, ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। और बस जल्दी जल्दी मैं इन लोगों के कपड़े इस्त्री कर दूँ ताकि लोग वक्त पे नमाज़ पढ़ के आ जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों सुबह का पहला काम हो गया, यानी कि इनको जुम्मा पढ़ने जाना है। लोगों के कपड़े इस्त्री हो गए, पे खड़े हैं दानिश और अभी पापा का वेट कर रहे हैं। जुएब मेरे साथ घर पे ही पढ़ लेंगे क्योंकि दानिश और पापा जा रहे हैं भी। और दोस्तों हम लोग जब से यहाँ आए हैं फर्स्ट टाइम पापा और दानिश नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग नए आए हैं और अभी हमें आइडिया नहीं है यहाँ का, लेकिन यहाँ करीब एक मस्जिद है बस वहाँ जा रहे हैं नमाज पढ़ने। और ये बच्चा बहुत प्यारा है हमारे नेबर का जी। असल में ज़ुएब दानिश मुझे अम्मी बोलते हैं ना, तो ये बच्चा भी मुझे अम्मी ही बोलता है और बहुत प्यारा है माशाल्लाह। चला ना जाए आप लोगों के साथ, उससे बोलो पीछे तो नहीं आ जाएगा। आदो तो हमारे नेबर का एक बच्चा है, उसके साथ ये लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है वो भी। और यहाँ करीब 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 मस्जिद है, बहुत अच्छा है यहाँ पर। आप ये वाला घर भी देख सकते हैं कहाँ तक बन चुका है, बहुत तेज़ी से बन रहा है ये वाला घर। बस ये लोग जा रहे हैं भी। अब इन लोगों को भेज दिया है नमाज पे और मैं अब आई हूँ इन बच्चों के पास। ये भी मेरे बच्चे हैं, इनको भी खाना पीना हर चीज़ मुझे देनी पड़ती है। देखें खड़े में बैठी वेट करें मेरा, और अभी इनको भी देख रहे हैं, इनको भी खाना वाना देती हूँ, पानी वगैरह इनका चेंज करना है मुझे। और मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग अपने अंडे क्यों फेंक रहे हैं, क्योंकि इनको इतनी प्राइवेसी दी हुई है मैंने, फिर भी ये देखें इसने कितने सारे अंडे फेंके हैं। और अंडे क्यों फेंक रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इनको सफाई दी हुई है, खाना टाइम पे मिल रहा है, पानी अच्छा मिल रहा है, फिर भी ये लोग अंडे फेंक रहे हैं। पहले इन्होंने फेंका हुआ था, अब इन लोगों ने फेंका हुआ है। अभी इनको मैं देखती हूँ कि क्या करना है मुझे। कुछ कहना है आपको, कुछ कहना चाहती हो? आगे आके बैठी हुई है। और आप सुनाओ। ये हमारे लैला मजनू हैं जो कि यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी बहुत गुस्से वाले। आपको कुछ कहना है? ये देखिए ये भी शिकायत कर रहे हैं। क्या हुआ, क्यों गुस्से में हो? चले भाई, ये भी इन्होंने भी अपना भी कुछ इंटरव्यू दे दिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। चलो ठीक है, अब मैं अगले अपने कामों की तरफ जाती हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह घर पे नमाज़ पढ़ रहे हैं ज़ुहेब। असल में ज़ुहेब जो है ना मुझे घर पे छोड़ते नहीं अकेला। अब वो कहते हैं मम्मा घर पे अकेली हैं, मम्मा डरेंगी, मम्मा ये होगी, ये मेरे साथ ज़्यादातर रहते हैं। और ये माशाल्लाह घर पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब मैं भी अभी बस नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, भी जल्दी से नमाज़ पढ़ती हूँ मैं। और दोस्तों ये तो अलग ही वखेड़ा है, ये मैं पता नहीं क्या करूँगी इसका। ये पूरा पड़ा हुआ है फ्रिज का सामान, और मैंने वो अंदर का सामान किचन में संभालते संभालते, कल मुझे अफ्तारी में बहुत लेट हो गई थी मेरी। और यहाँ पर अभी मुझे जंग लड़नी है यहाँ पर कपड़ों से, और आप कपड़े सिर्फ देखें मेरे। दोस्तों मैंने सोचा आज मुझे कपड़े नहीं धोने, आज फ्राइडे है, तो मैंने सोचा चलो इन लोगों को सफाई कर देती हूँ अच्छे तरीके से। इन लोगों की इनके ट्रे वगैरह देखें बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं सबके, और इनका भी देखें बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, और बाकियों के भी बहुत गंदे हो रहे हैं। तो मैं इनकी आज सफाई कर देती हूँ, इनके पानी वानी के बर्तन भी धो देती हूँ, तो एक काम हो जाएगा। फिर कल इंशाल्लाह मैं मशीन लगा के कपड़े भी धो लूँगी, और उसके बाद मुझे जाना है अफ्तारी बनाने के लिए। बस ये काम मैं फटाफट कर रही हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ अफ्तारी बनाते।
दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं बहुत मजेदार जगह पे, जहाँ पे हम लोग वहाँ बैठ के आराम से इफ्तारी करेंगे। बस अभी हम लोग निकल रहे हैं और ये बच्चे सामान लेके जा रहे हैं। चलो बच्चे लेके चलो, अब आगे का सामान पापा ले गए और ये थोड़ा रह गया, अब ये बच्चे लेके जा रहे हैं। और मैं उठा रही हूँ अपना पर्स और अपना दुपट्टा और बस अभी मैं निकल रही हूँ। माशाल्लाह मैंने अपने सारे तोतों के ट्रे साफ कर दिए हैं, बिल्कुल साफ सुथरी कर दी है जगह भी, और फिनाइल वाला पोछा लगा दिया है और बहुत खुशबूदार जगह होगी और बहुत ज़्यादा खुश है माशाल्लाह मेरे सारे पैरेंट। और बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, मैं आपसे बताती जाऊँ क्योंकि मैं आऊँगी, मुझे पता है मगरिब हो चुकी होगी। बस हम लोग निकल रहे हैं। दानिश मेरा पर्स दे दो। और दानिश अभी लॉक लगाने वाले हैं दरवाजे को। और बस दोस्तों बस हम लोग निकल चुके हैं घर से और आज हम लोगों का मूड है बाहर इफ्तारी करने का और मलिक साहब हमें लेके जा रहे हैं। अब देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। और यहाँ बैठे में दोनों मेरे शहजादे, इनके पूरे रोजे जाते हैं माशाल्लाह, बहुत शौक से रोजे रखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हम लोगों ने थोड़ी सी इफ्तारी ले ली है और थोड़ी सी हम लोग अभी यहाँ से लेने आए हैं जो कि बन्नो पुलाव से, क्योंकि हमें भी पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद आया है इनका, यहाँ से बहुत मज़ेदार है। और बस अभी हम लोग यहाँ से बन्नो पुलाव भी ले लेंगे और फिर कहीं जाके हम अफ्तारी करते हैं और आपसे मिलते हैं। जी दोस्तों, मुझसे किसी मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आपने चूल्हे पे सब क्यों चढ़ाई है फॉइल, ये तो यार ये है बचत वक्त की, क्योंकि ना हम लोग बहुत परेशान होते हैं रमजान में, वैसे ही हमारे एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा काम होते हैं। अगर हम ये चढ़ा लेते हैं तो बार बार हमें चूल्हा अच्छे से साफ नहीं करना पड़ रहा होता। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप किराए के घर में रह रहे हैं तो आप ख्याल नहीं करेंगे, तो अब किराए का घर है जैसा भी है मगर सफाई तो नहीं इसमें माने। तो मुझे इसलिए लग रहा था कि मैं अच्छे तरीके से चूल्हे को साफ रखूँ और चूल्हा गंदा नहीं हो। और पीछे दीवार पर लगाने का ये मकसद है कि चिकना नहीं होगा, अगर चिकना होगा फॉइल होगी, हम फॉइल उतार देंगे हम दूसरी लगा लेंगे। तो भाई ये वजह है कि मैंने चूल्हे पे फॉइल लगाई हुई है ताकि मेरे टाइम की थोड़ी बचत हो जाए। और दोस्तों मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है मलका ताहिर के नाम से है, उनको कनाडा के लिए अप्लाई किया हुआ है उन्होंने, और हम लोग ज़रूर आपके लिए दुआ करें कि अल्लाह मियाँ आपका जल्दी से प्रोसेस हो जाए और आप साथ खैरियत से अपने कनाडा जा सकें। और ज़रूर हम लोग आपके लिए दुआ करते हैं और आपके मैसेज को ज़रूर हम लोग अहमियत देते हैं। अब मैं हर किसी का मैसेज पढ़ती हूँ और ज़रूर जो भी मैं चाहती हूँ जिसका जवाब दे सकती हूँ मैं उसको जवाब भी देती हूँ। अभी मैं इसलिए यहाँ वेट कर रही हूँ कि बच्चों की मैं शेव कराने आई हूँ, अल्लाह चलो यहीं पे कुछ जवाब हो जाए। और दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिए, अभी मिलते हैं हम लोग। जी दोस्तों आ चुके हैं हम लोग पार्क में और ये रहे जो है मेरे साथ और दानी झूला झूल रहे हैं, और मैं आपको पार्क दिखाती हूँ। बहुत बड़ा पार्क है और यहाँ पे पूरा ट्रैक बना हुआ है वॉक का, ये देखें बहुत खूबसूरत ट्रैक बना हुआ है, यहाँ लोग ट्रैक पे वॉक करते हैं। और बस अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। और वासिम मलिक बैठे हुए हैं, बच्चे भी हैं और आप सूरज देखें। One hour later. जी दोस्तों हमारा प्रोग्राम फ्लॉप हो गया है, पापा कह रहे थे पार्क पे चल के हम लोग रोजा खोलेंगे, लेकिन और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ठंड बढ़ रही है और बच्चों ने जैकेट्स वगैरह नहीं ली हुई थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने कहा नहीं भाई घर चलो, ये ना हो कि बच्चे बीमार हो जाए। तो बस अभी हम जा रहे हैं घर पे और अब जो नसीब में होता है वही होता है, हम लोग घर चल के रोजा खोलते हैं और अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम लोग घर आ चुके हैं और फटाफट अफ्तारी मैंने जल्दी से सजा दी है, यहाँ बैठ गए हैं वासिम मलिक को, यहाँ बैठे हुए दानिश और यहाँ पे जोए भी हैं, और अभी जल्दी से हम लोग रोजा खोल लें। चलो बच्चा पढ़ो दुआ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी लकासुम तो वाबिका अमन तो वालैका तवक्कल तो वाला रिज़्क़का अफ्तर तो। चलो खोल लो। जैसे ही हम लोग आए हैं हमारा टाइम हो गया था, फटाफट मैंने सारी अफ्तारी जल्दी से सजा दी थी, बस अभी हम लोग कर रहे हैं अफ्तारी। यहाँ बैठे मलिक साहब, यहाँ बैठे हैं दानिश और यहाँ बैठे हुए हैं जोहेब, और बस अभी मैं भी खोल रही हूँ रोज़ा जल्दी जल्दी। तो आपकी बहन ने फटाफट सब कुछ कर लिया है, ढक दिया जो कुछ बची थी अफ्तारी, क्योंकि बच्चे खाते रहते हैं प्लेटों से नहीं ढकती, मैं कपड़ा डाल देती होती हूँ, और आपकी बहन ने पूरा किचन साफ कर दिया है और मैंने बर्तन भी धो दिए हैं, ताकि एक वो थोड़ा सा आटे का धुल्ली रहा वो रखा हुआ है मैंने। और यहाँ पे बन गई मेरी
मज़ेदार सी चाय, और इसके चाय के साथ ही आज का व्लॉग होता है मेरा ख़त्म। देखते हैं हम लोग कल के इससे बेहतरीन व्लॉग के साथ। और आपकी बहन कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाएं, और आप लोग जिस तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।